हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हॉटरेस मॉनेटरी थ्योरी। ये एक बिजनेस साइकिल की थ्योरी है और हॉटरे ने अपने बिजनेस साइकिल थ्योरी में ये एक्सप्लेन किया है कि बिजनेस साइकिल जो आते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसीज की वजह से आते हैं। तो इस थ्योरी के एक्सप्लेनेशन से पहले ज़रूरी है कि आप मॉनेटरी पॉलिसीज वाला हमारा वीडियो देखें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेकर आता है? इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वही मॉनेटरी अथॉरिटी और वो पॉलिसी लेके आएगा। तो मान के चलते हैं कि पहले उसने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आए हैं। इस तरह की पॉलिसी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। तो इसके लिए सीआरआर और एसएलआर को कम कर दिया है। सीआरआर और एसएलआर को कम करने से क्या होगा? इसका सीधा इफेक्ट होगा मनी सप्लाई पे। मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से क्या होगा? हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सभी मॉनेटरी पॉलिसीज के इफेक्ट हैं। फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से क्या होगा? हमारे पास सिचुएशन आएगी एक्सेस डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। और शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई क्या है? कॉन्स्टेंट है। सप्लाई को बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। सप्लाई लैग के साथ रेस्पॉन्ड करती है। अब सप्लाई तो लैग के साथ रेस्पॉन्ड करेगी, लेकिन उतने टाइम में क्या होगा? प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, सप्लाई जितने टाइम में रेस्पॉन्ड करेगी उतने टाइम में प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ये किस टाइप का इन्फ्लेशन है? इन्फ्लेशन का एक और वीडियो है जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे हमने इस तरह के इन्फ्लेशन के बारे में बताया हुआ है। तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अब जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो देखिए लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो फिर हम सप्लाई को भी बढ़ाएंगे। और सप्लाई को बढ़ाने के लिए फिर बिजनेसमैन क्या करेगा? बिजनेसमैन बैंक से लोन लेगा, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगा, जिसका मतलब है कि वो मशीन्स खरीदेगा। बैंक लोन लेगा, मशीन्स खरीदेगा, यानी कैपिटल गुड्स खरीदेगा। मशीन्स खरीदी, इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, ये सभी चीजें की जाएंगी। और इसके बाद इकोनॉमी में हमें देखने को मिलेगा कि एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और इनकम तीनों बढ़ गए हैं। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि मशीन्स पे काम कौन करेगा? लोग ही तो करेंगे। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट और इनकम बढ़ेगी, ये तीनों एक साथ बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहां पे इस तरह का साइकिल चलता रहेगा ग्रोथ का। और जब प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो आरबीआई को क्या लगेगा कि प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहिए, और फिर वो एक्सपेंशनरी के बाद कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आएंगे। अभी तक इकोनॉमी बूम पे चल रही थी, ग्रो कर रही थी, एक्सपेंशन वाला फेज था, अब कॉन्ट्रेक्शन वाला फेज आएगा। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज की जगह अब कौन सी पॉलिसीज आएंगी? अब आएंगी कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी। कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसीज, तो सीआरआर को बढ़ा दिया जाएगा, एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा। इसका सीधा इफेक्ट ये होगा कि मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम होने का इफेक्ट ये होगा कि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। और हमारे पास सिचुएशन कैसी आएगी? हमारे पास सिचुएशन आएगी एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन आएगी। और जब एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन है तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। बैंक लोन जो लेना शुरू किया था वो बंद हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और इनकम क्या हो जाएंगे इकोनॉमी में? नीचे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये सिंपल सी थ्योरी है। और जब ऐसा लगेगा कि प्राइसेस सफिशियंटली कम हो चुके हैं
तब आरबीआई फिर से एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेके आएगा और फिर एक्सपेंशन वाला फेज शुरू हो जाएगा। तो ये काफी सिंपल सी थ्योरी है और इस थ्योरी के सभी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।